लपेटते रहो विद हनी बनी। अरे हनी के पास फोन। हेलो हेलो। अरे बड़े भाई नया फोन कब लिया? ये फोन नया नहीं है, किटी का है। किटी का? किटी का फोन क्यों ले आए? वो रोज बोलती है मेरा फोन नहीं उठाते, मेरा फोन नहीं उठाते। आज चांस मिला तो फोन उठा लाया। लपेटते रहो। पकड़ो, ये दोनों टेररिस्ट है। पकड़ो। वाओ, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। ओ शाबाश पुत्रों, शाबाश। ईश, हनी, तेरी बेवकूफी के कारण मुझे प्रमोशन मिलेगा। पूरा मत खा जाना, थोड़ा हमें भी देना। ईश, प्रमोशन खाने की चीज नहीं होती। फिर आप ही ले लो, फालतू चीजों में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लपेटते रहो विद हनी बनी। लपेटते रहो विद हनी बनी। बड़े भाई क्या हुआ? कुछ नहीं, सर में दर्द हो रहा था तो सर दर्द की गोली खा ली। अरे हाँ, पर तू उल्टा क्यों लटका हुआ है? अरे सर दर्द की गोली खाई है। हाँ तो सीधा खड़ा रहूंगा तो गोली पेट में चली जाएगी ना। लपेटते रहो। इतनी सारी मधुमक्खियाँ, भागो। भगाओ कार। पीछे ही पड़ गए हैं। कार और तेज चलाओ। और तेज नहीं चला सकता, रास्ता खराब है। हाँ तो आने के पहले रास्ता ठीक करवाना था ना। लपेटते रहो विद हनी बनी। लपेटते रहो विद हनी बनी। बादशाह सलामत, जिंदाबाद। गलत है, गलत है। ये बादशाह सलामत नहीं, बादशाह अकबर है। हनी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें बादशाह को पंखे से हवा देनी है, समझे? पंखा नहीं मिल रहा है, मैं जाता हूँ, ढूंढता हूँ। अब आप कहेंगे कि आपको अनारकली और मेरा रिश्ता कबूल नहीं है। अरे आज बादशाह का मौन व्रत है भाई। ये क्या कर रहा है? मुझे लकड़ी वाला पंखा नहीं मिल रहा था तो ये ले आया। लपेटते रहो। ए भाई, ओ भाई, खुलो भाई, हम बंद हो गए। कोई है भाई? मैं हूं ना भाई। तू गटर का ढक्कन खोल सकता है? जो गटर के ढक्कन नहीं खोल सकते वो क्या भाई नहीं होते? अरे बेवकूफ, मैं उसे पुकार रहा हूँ जो ऊपर है। ऊपर तो ऊपर वाला है। अरे उतना ऊपर वाला नहीं, सड़क पर, जो हमारी मदद कर सकता है। ये गटर है, इसके एक ढक्कन नहीं होते, एक बंद हुआ तो दूसरा मिल जाएगा। चलो लपेटते रहो विद हनी बनी। लपेटते रहो विद हनी बनी। उत्तरी, बड़े भाई ये देखो 2000 रुपए का नोट। हाँ असली भी है, अब हम इसका क्या करें? अरे बड़े भाई अपनी तो किस्मत खुल गई, हम आपस में 50-50 ले लेते हैं। हाँ गुड आइडिया छोटे भाई, लेकिन बाकी के 1900 रुपयों का क्या? लपेटते रहो। मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ? मैडम आप घर में हैं? ये किसका घर है? क्या? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैडम की तो याददाश्त चली गई। कहाँ गई छोटे भाई? शिमला गई है, शिमला गई है। यहाँ गर्मी बहुत है ना। कश्मीर जाना था, वहाँ बर्फ भी होती है। लपेटते रहो विद हनी बनी। लपेटते रहो विद हनी बनी। Yeah!
डॉक्टर साहब, 2 साल पहले मुझे बुखार आया था। हाँ हनी, तो अब क्या? आपने नहाने को मना किया था। आज इधर से जा रहा था तो सोचा आपसे पूछ लूं, अब नहा लूं क्या? लपेटते रहो। बड़े भाई, टूर्नामेंट का मतलब क्या होता है? टूर्नामेंट? अरे छोटे भाई, ये जो तुमने हाथ में पहना है ना, उसे टूर्नामेंट कहते हैं। ओए गधे की अक्ल वाले बिल्ले, उसे टूर्नामेंट नहीं ऑर्नामेंट कहते हैं। ये पोपट, एक हाथ में पहनो तो ऑर्नामेंट और दोनों हाथों में पहनो तो 2 ऑर्नामेंट्स, मतलब टूर्नामेंट। लपेटते रहो। छोटे भाई, ये सीनियर और जूनियर का क्या मतलब? समंदर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सी। और जो समंदर के पास हो उसे क्या कहते हैं? सीनियर। हाँ, और जू के पास हो तो? जूनियर। अरे वाह, सीनियर जूनियर। ले भाई लपेट। लपेटते रहो विद हनी बनी। लपेटते रहो विद हनी बनी। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप वो दही हांडी के लिए चंदा चाहिए। चंदे की क्या जरूरत है, दही देता हूँ, हांडी में दूध के साथ डाल देना, शाम तक दही हांडी तैयार। अरे दही नहीं जमाना है, दही हांडी फोड़ने के लिए चंदा चाहिए। जब फोड़नी है तो खरीदने में पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो? मिट्टी की हांडी बनाने वाला कुम्हार होता है, दही हांडी फोड़ने का त्योहार होता है। ठोको ताली। मैंने दही की हांडी निकालने में फोड़ दी थी तो मैडम ने बहुत डांटा था। ईश, चलो चलो, इनका चंदा मैं अपनी जेब से भर दूंगा। लपेटते रहो। पोपट, तुम आ गए? नहीं, मैं अभी रास्ते में हूँ। कोई शक? रास्ते में तो यहाँ कैसे दिख रहा है? हनी, हमारे दिमाग का भरता मत बना, पहले मूड बहुत खराब है। क्या हुआ, तुम लोगों ने चेहरा क्यों उतार रखा है? जोरदार, तुम भी कुछ भी बोल देते हो, उनका चेहरा उनकी गर्दन के ऊपर ही कहाँ उतार रखा है। लपेटते रहो विद हनी बनी। लपेटते रहो विद हनी बनी। ओए, अब मैं एक सवाल पूछता हूँ, देखते हैं कौन जवाब देगा। पूछो पूछो, कोई भी सवाल पूछो। अच्छा ये बताओ, जिस आदमी को सुनाई न दे उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? कुछ भी कह दो, क्या फर्क पड़ता है, उसे सुनाई थोड़ी देता है। लपेटते रहो। मेरे घर में तो कोई हीरा है नहीं, फिर ये खबर न्यूज़पेपर में कैसे आई? कैसे आई गुरु? खन्ना साहब, ये खबर हमने न्यूज़पेपर में दी है। खन्ना साहब, वो क्या है ना कि कल हमारे घर में चोरी हुई है, तो चोर को पकड़ने के लिए ये जाल हमने बिछाया है। कहाँ है जाल? पर मुझे क्यों नहीं दिख रहा है जाल? गधे, चोर यहाँ हीरा लेने आएंगे, हीरा मिलेगा नहीं, मेरा सामान ले जाएंगे। ठोको ताली। ओए ते, मेरा घर लूट रहा है यार, और तू इधर ताली ठोक रहा है यार। आप हम पर भरोसा कीजिए, वो चोर न्यूज पढ़कर जरूर आएंगे और पकड़े जाएंगे। ठीक है गुरु, पर मेरे घर से एक कील भी चोरी नहीं होनी चाहिए। यानी बाकी सब चोरी हो जाएगा तो चलेगा? लपेटते रहो विद हनी बनी। लपेटते रहो विद हनी बनी। हाँ बोलो हनी, अभी तबीयत कैसी है? पहले से ज्यादा खराब। दवाई खाली थी क्या? खाली नहीं, भरी हुई थी। मेरा मतलब दवाई ले ली थी क्या? जी हाँ, आपने दी थी, मैंने ले ली थी। बेवकूफ, दवाई पी ली थी क्या? नहीं, दवाई नहीं ली थी। बे गधे, दवाई को पी लिया था क्या? दवाई को पी लिया कैसे हो सकता है, पी लिया तो मुझे था। उल्लू के पट्टे, दवाई को खोलकर मुंह में रख लिया था? नहीं, आपने तो कहा था दवाई को फ्रिज में रखना। अब क्या मार खाएगा? नहीं, दवाई खाऊंगा। लपेटते रहो। ओहो, शहर में चोरियां हो रही हैं। हमारे एरिया में तो वॉचमैन भी छुट्टी पर है, अब क्या करेंगे? मैडम घबराने की जरूरत नहीं है, जब तक वॉचमैन वापस नहीं आ जाता तब तक हम सब मिलकर रात को अपने घर की निगरानी करेंगे। ठीक है, आज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी, ध्यान से घर की निगरानी करना। ये क्या कर रहे हो नी, बाहर की तरफ ध्यान दो। मैं पता नहीं है, मैडम ने कहा है कि घर की निगरानी करनी है, इसलिए घर की तरफ देख रहा हूँ। लपेटते रहो विद हनी बनी। लपेटते रहो विद हनी बनी।
मैडम। सॉरी मैडम, ओके ना। मैडम मैडम बेहोश हो गई। हनी पानी ला। कौन सा लाऊं? नॉर्मल ये ठंडा। कोई भी ला, मुंह पर छिड़कना है। तो फिर बाथरूम से लाता हूँ, पीने का पानी क्यों वेस्ट करें? लपेटते रहो। मारो। कानून अपने हाथ में मत लो। हमारे हाथ में कानून नहीं है, हम इसे थप्पड़ी मार रहे हैं बस। इस उसको ही कानून हाथ में लेना कहते हैं। छोड़ दो इसे, इसे कानून सजा देगा। आप सजा नहीं देंगे? अरे यार, यही कानून है और यही कानून के रखवाले हैं। अच्छा, मतलब ये इंस्पेक्टर नहीं है? इस इसे कोई मुझसे दूर लेकर जाओ। लपेटते रहो विद हनी बनी। लपेटते रहो विद हनी बनी। भागो भागो। ये गटर जैसी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है छोटे भाई? गधे, गटर में गंदी बदबू आती है, फूलों की खुशबू नहीं आती। हाँ, पर हम गटर में क्यों आए हैं? क्योंकि मैं बिल्ला नहीं हूँ, पिग हूँ पिग। मुझे गंदगी पसंद है। आज तक बताया क्यों नहीं? हम सभी तो तुझे बिल्ला समझकर प्यार करते थे। Excuse me. मुझे ये लाल किले के पास जाना है। लाल किला? हाँ। तो जाओ ना, ऐसे हर किसी को बताते बताते जाओगे तो पहुँचोगे कब? लपेटते रहो। अरे यार, आज मैडम घर की सफाई करने का बोल के गई हैं। आज हम सबको घर की सफाई करनी है। हाँ तो एक काम करते, घर का सारा सामान बाहर फेंक देते, घर साफ हो जाएगा, है ना? अरे यार, इसे कोई समझाओ, घर साफ करना है, इसके भेजी की तरह खाली नहीं करना है। लपेटते रहो विद हनी बनी। लपेटते रहो विद हनी बनी। हम उस आदमी के पीछे क्यों जा रहे हैं? वो तो आइसक्रीम भी नहीं बेचता। मुझे लगता है यही वो आदमी है जो नकली नोट मार्केट में चला रहा है। इसी की बात कर रहे थे इंस्पेक्टर पांडा, हम उसका पीछा कर रहे हैं। भाई साहब चलते रहो, रुकोगे तो हम पीछा कैसे करेंगे? लपेटते रहो। पुत्री, क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हो? अरे छोटे भाई कुछ नहीं, मुझे ना नॉनवेज खाने का बहुत मन कर रहा था। हाँ तो फिर? फिर क्या, मैं बस चिकन के साथ रोटी खा रहा हूँ। हाँ, लपेटते रहो। बड़े भाई, हम पिकनिक के लिए कहाँ जाएं? चलो कब्रिस्तान चलते हैं। पागल है क्या, कब्रिस्तान भी कोई विजिट करने की जगह है? पर मैंने तो सुना है लोग मरते हैं वहाँ जाने के लिए। लपेटते रहो विद हनी बनी। सब्सक्राइब टू सोनी ये फॉर मोर सच फन वीडियोस।